आखिर ये है कौन शुभ स्केलेटन? ये वही है ना जिनके ऊपर आजकल तुम लोग बड़ा प्यार बरसा रहे हो। जिंदा लोगों की कदर नहीं है और स्केलेटन्स पे इतने व्यूज दे रहे हो। एनीवेज आओ एक बार फिर से देख लो कि तुम लोग किस तरह के रोस्ट पर इतना प्यार बरसा रहे हो। पीयूष ने कैसी चाय बनाई है? कल वाला जिसमें पीयूष की बेइज्जती हुई थी। मोगली की चड्डी जितनी तो वीडियो, उसपे भी 80% क्रिंज और बीच बीच में एक ही घिसीपिटी लाइन जैसे कोई किसी का हालचाल पूछ रहा है। Come back to our channel. दोबारा से वही और गेम खेलने जा रहे हैं। यही पसंद आ रहा है तुम लोगों को? कुछ भी फालतू में स्केलेटन्स को मैं क्या ही बदनाम करूं, तुम बताओ। इतना एफर्टलेस वीडियोस तो स्केलेटन्स भी नहीं बनाएंगे। कोई बात नहीं, आओ देखते हैं कि इसके पीछे कौन सा गुरु घंटा। हेलो गाइस, तो मेरा नाम है सुप स्केलेटन। कभी सोचा नहीं था मैं फेस रिवील करूंगा, लेकिन आज मैंने डिसाइड किया फेस रिवील करूं। यस, तो मैं हूं आपका अपना सुप स्केलेटन। ओ, ये बंदे भाई, तुमने फेस क्यों रिवील कर दिया? तेरे से अच्छे तो स्केलेटन्स ही हैं, कम से कम तुझे व्यूज तो दे रहे थे। कोई नहीं, इसने फेस रिवील कर ही दिए, तो आओ देखते हैं कि ये बंदा कितना होनहार है जो तुम लोग इसके ऊपर इतना प्यार लुटाए पड़े। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं करूँ तो करूँ क्या? पुरानी चीजें करूँ या नई चीजें करूँ? और तुमको अगर लग रहा है तुम जैसी छपरी ऑडियंस के लिए मैं मुजरा उजरा करूंगा एंटरटेन करने के लिए, तो शक्ल देखिए अपनी आईने में। लो, ऑडियंस छपरी हो गई। ऐसे मुझे क्या, तुम लोग देखो भाई, आओ इनके रोस्ट वीडियो पे चलते हैं। कॉन्टेंट, कॉन्टेंट की स्पेलिंग कॉन्टेंट। अच्छा, I'm sorry, टाइपिंग एरर हो सकती है। फिर से कॉन्टेंट, सारे कह रहे पीस को बाहर निकाल दिया। तीसरी बार कॉन्टेंट, मी की स्पेलिंग एम ई आई। फिर में पूरी वीडियो में एम ई आई में फ्रिज अंकल को अंकल। ओ, तुम लोग को उसकी स्पेलिंग पसंद आ रही है क्या? कोई नहीं, पर इसको बोलो कि थोड़ी पहले पढ़ाई लिखाई कर ले, कम से कम नर्सरी तो पूरी कर ही रे प्लीज। नहीं तो भाई अपने अंकल को अंकल ही बोलता रहेगा जिंदगी भर। मेरा काम बस टाइम पे सजेस्ट करना है, वरना फिर मैं नहीं चाहती कि कल को तुम लोग इस चैनल के लिए भी ये बोलो। मैं इस चैनल को कर रहा हूँ कम्प्लीटली डिलीट। और फिर तुम अपने ही चैनल को डिलीट करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते फिरो। ऐसा नहीं है कि मैं ये पहली बार कर रहा हूँ या फिर मैं बिना रिसर्च के कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वर्ड पावर तो तुमने देखी ली इसके वीडियोस में। एक और चीज जो इसकी स्पेलिंग एरर की तरह बहुत कॉमन है इसकी वीडियोस में, वो है इसकी लाइंस। इसके पास दो चार बहुत ही सुपर्ब लाइंस हैं जो कि तुम्हें इसके हर दूसरे चौथे वीडियोस में मिल जाएगा। पहली लाइन, पहली बार आया हूँ। दूसरी लाइन, पूछा किसी ने, जब मैं अपने घर होता हूँ, जब रिश्तेदारों के घर होता हूँ, सबूत के साथ मैं इस वीडियो में बताऊंगी। भाई इस बंदे ने दो चार लाइनें इधर उधर करके वो सारे टॉपिक्स पे वीडियो बना दिए हैं, जितने टॉपिक से एक अच्छे खासे रोस्टर का साल भर घर चलता है। भाई तो कुछ तो एफर्ट्स लगा लेता। जब मैं कुछ पुराना करता हूँ, कुछ नया कर, क्या घिसा पिटा कर रहा है? अब ऐसे एफर्टलेस वीडियोस बनाएगा तो ऐसे ही कमेंट्स आएंगे ना। खैर, अब मुझे भी बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना है, आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, मस्त रहो, आबाद रहो, यहाँ रहो चाहे दौलताबाद रहो।